बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सोहेल मनास और आज मेरे साथ मौजूद हैं डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट जावेद इकबाल साहब। हम इनसे बात करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहें कि खबरें टीवी ने आज 15,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। इस पर हम चीफ एग्जीक्यूटिव शमशाद मांगट साहब और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और इसमें अहम रोल हमारे जावेद इकबाल साहब का। हम इनसे बात करेंगे कि ये 15,000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे हुए। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम सुहेल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी हमारे फेस पे और हमारी जो स्क्रीन के हमारे स्क्रीन पे आप लोग भी देख रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ स्क्रीन पर आप लोग ऑनलाइन के भी लोग आपको देख रहे हैं, मतलब आपकी माशाल्लाह अच्छी एक्सपर्टीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी मतलब आज हमारे सेलिब्रेशन में आप शरीक हो गए, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं काटा जावेद भाई। अभी हम सर को इसके बाद हम कोई मेरे ख्याल में कोई सेरेमनी भी करने वाले हैं केक वगैरह काटने की, ये कुछ आगे प्रोग्राम नहीं, सेरेमनी अगर ना हो जाए तो फिर ये हो नहीं सकता। जबरदस्त जबरदस्त जावेद भाई, ये बताइएगा कि ये 15,000 सब्सक्राइबर पूरे कैसे हुए हैं सर? ये हमारे बहुत सी मुश्किलें आती हैं, हमारे बड़े बड़े साफी मैंने देखे हैं, उनके चैनल्स हैं, उनके चैनल्स पे 100 व्यूज़ नहीं आ सकते, लेकिन ये शमशाद मांगट साहब के जो है ना हज़ारों में नहीं लाखों में इनके व्यूज़ मैंने देखे हैं, मुख्तलिफ वीडियो लाखों में भी चली गई हैं और ये खबरें टीवी एकदम से इसने एक अपना मुकाम बनाया, एक अपना नाम बनाया, ये कैसे हुआ है जो सर? सबसे पहले तो मांगट साहब बहुत शहनशाह बच्चा है, मतलब दिल का शहनशाह है, वो बहुत दिल अजीज़ बंदा है, अच्छा बंदा है और हमारा बहुत केयर करते हैं। और दूसरे में बात कर लो कि जिसका पीर कामिल होता है तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता। ये बात आपने पता की है तो उनका पीर मैंने देखा है कि पीर उनके जो है ना माशाल्लाह काफी कामिल है, तो इसके पीछे बहुत मेहनत है, वो सर बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा ये कि वो मतलब हम डिफरेंट जगहों पे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी जगह भी आते हैं कि हम उस पर मतलब वीडियो अलाव ही नहीं होते, हम मतलब खुफिया रिकॉर्डिंग करके या जिस तरह सी डी ए के होते हैं, मतलब मजलूमों की आवाज़, मतलब ये मजलूमों की आवाज़ मैंने देखा है कि मांगट साहब का ये जो खबरें टीवी है बिल्कुल ये हमेशा जो है ना मजलूमों की आवाज़ बनाए। तो इसमें ये बताइएगा कि ये 15,000 सब्सक्राइबर पूरे कैसे हुए? तो असल में सबसे पहले इसके पीछे टीम होती है, मतलब दो बंदे होते हैं लड़ने के लिए डिजिटल मीडिया पे, जिस तरह टीवी के पीछे में स्क्रीन के पीछे लोग तो वही एक्सपर्ट लोग वही होते हैं, बाकी जो बोलते हैं वो तो हर बंदे ही बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गाड़ी होती, गाड़ी तो चलती है लेकिन जब गाड़ी में फ्यूल नहीं होता तो फिर गाड़ी आगे से नहीं चलती। सही बात है। तो मांगट साहब की ये बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत अच्छी ख्वाहिश है, इसको हमने ग्राफ भी निकाला है कि अगले अगर हमारा काम इस तरह के डेली रूटीन पर अगर हम चला देंगे तो हमारे अगले 3 महीने में इंशाल्लाह हम 20 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जब 15 से सब्सक्राइबर को ऊपर हो जाता है तो फिर मतलब एक YouTube इसको रिकमेंडेशन भी करती है, वीडियोस को रिकमेंडेशन में डालती है और मतलब इसका आगे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे हो जाती है कि मतलब ये बंदे इतना काम कर सकते हैं तो आगे इसके वीडियो पर चलना बहुत मतलब जा सकती है। दूसरा हमारा डेली बेसिस पे जो हमारे 200-300 सब्सक्राइबर आते हैं तो बाकी व्यूज़ भी अच्छे आते हैं माशाल्लाह। मैंने देखी है कि मांगट साहब की टीम भी बड़ी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रही है, वीडियोस डेली की रूटीन वाइज आप यानी कि एक दिन में आप अपने चैनल में कितनी वीडियोस अपलोड कर देते हैं? सर हमारे पास तो ये होता है कि जब भी हम कोई वीडियोस ऐसे नहीं देखते कि हमने 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है, हम टाइम को भी नहीं देखे हमने कौन सा टाइम बनाया, लेकिन जब भी हमें कोई शिकायत मिल जाता है, कोई मतलब इस तरह की बात आ जाती है कि वाक्य हो गया, हम फौरन इसके खिलाफ मतलब वो बात मैंने देखा है कि अक्सर जो यहाँ पर के वाकात हो जाते हैं उसके अलावा जो स्ट्राइक वगैरह होती हैं एमरजेंसी सर्विस में आपने मुख्तलिफ अपने रिपोर्टर्स रखे हुए हैं वो आपको रिपोर्ट करते हैं, उस हवाले से भी मैंने देखा कि माशाल्लाह खबरें टीवी अच्छा जा रहा है। और ये बताइएगा कि ये एक आम आदमी अगर चैनल स्टार्ट करे, ये 15,000 सब्सक्राइबर गेन करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने भी काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने YouTube पे मतलब काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरह खबरें टीवी ऊपर जा रहा है ये उसके पीछे मतलब आउट ऑफ स्क्रीन आपका मेन रोल है। और ये बताइएगा कि ये आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं और आम ये जो लोग चैनल्स बनाते हैं इनका ये चैनल कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? असल में सुहेल साहब ये है ना कि जिस तरह लोग MPA के इलेक्शन लड़ते हैं, MNA के इलेक्शन लड़ते हैं, लोग कंपेन करते हैं, हर बंदे के पास जाते हैं कि भाई हमें वोट दो, इस तरह हमारे भी एक कंपेन जारी है, लेकिन जब लोग ट्रस्ट आ जाए, लोग के हमारे कंटेंट को पसंद कर ले, फिर वो हमारे आदि हो जाएंगे, वो कहते हैं कि भाई आपने कब वीडियो अपलोड करना है। तो हमारे डिफरेंट सीरीज़ पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं, एक होता है कि मतलब एक्सक्लूसिव विच मंगट साहब, बाकी जो खबरें टीवी के स्पेशल एपिसोड्स होते हैं, और हम अभी कोशिश करते हैं कि हम इस पर और भी मतलब अच्छे अच्छे प्रोग्राम को लॉन्च करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे इस तरह के जो काम शाम है वो जारी है तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा आम बंदे के लिए आपने बात की, आम बंदा चैनल जो भी बंदा चैनल ऑन करते हैं ना, सबसे पहले वो रिसर्च करें कि हमारे कंटेंट क्या होगा। दूसरा यूट्यूब
एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि वो ऐसे नहीं देते कि भाई आप वीडियो अपलोड करो आपका वीडियो चले, जिसका वीडियो एच डी क्वालिटी में वो आगे रिकमेंडेशन में डालती है, किस बंदे के भी कंटेंट अच्छा है वो खुद स्कैन करती है, हर दो दिन बाद तीन दिन बाद वो रोबोटिकली वो आपके सारी वीडियोज़ को स्कैन करते हैं कि आपकी वीडियो में कितना जो है वो आपकी मतलब क्वालिटी है, मतलब सबसे पहले क्वालिटी डिपेंड करते हैं, फिर आगे खुद मतलब यूट्यूब रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई ये वीडियो भी देख ले, ऑटो प्ले हो जाता है। तो फिर जिस दिन मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी पाकिस्तान की ब्यूटीज़ के बारे में, तो मुझे एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि आपका यूएस में मैंने आपका अपने होटल में मैं आपकी वीडियो पाकिस्तान की तस्वीरों को स्लाइड चलाता हूँ। अच्छा। तो मैं बहुत खुशी है कि वो बंदा मेरा वॉच टाइम पूरा, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो चैनल था वो पहले से ही ख़राब था। अच्छा। मतलब कि उसमें ऐसे कंटेंट इंडियन वाला कि वो आगे चल नहीं सकता, तो वो बदकिस्मती से हमने उसके ऊपर खर्चे भी किए लेकिन वो फिर भी मोनेटाइज नहीं हो गया। तो बहुत से लोग फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि भाई मैंने इस तरह काम किया इसको छोड़ दूँ, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि आप चैनल मोनेटाइज भी करते हैं, ये चैनल की जो मोनेटाइजेशन है इसमें मुख्तलिफ अगर वो कम्यूनिटी गाइडलाइंस हैं वो अगर पूरी ना की जाएँ तो स्ट्राइक भी आ जाती हैं, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो चैनल बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने चैनल को कैसे अपना चैनल महफूज कर सकते हैं, आप उनका कंटेंट क्या होना चाहिए, और ये जो आपने बात की है कि इंडियन वीडियोस पे इस तरह की वीडियोस कौन कौन सी वीडियोस जो है ना उस पे चैनल पे आप। असल में बात ये है ना कि मैं ही समझता हूँ ना कि जो बंदा सब्सक्राइबर लेते हैं वॉच टाइम पूरा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अच्छा, क्योंकि आप अगर आपने दुकान लेना है, अगर आपने बंदों को बाहर किसी और बंदों की बेचने वाली चीज़ें आप अपने दुकान में रख ले, मतलब ऐसे समझते क्या ये मेरा ही है, आपका है ही नहीं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर बंदा ऑर्गेनिक काम करे, मतलब जिस तरह का मैं कश्मीर पे वीडियो बनाता हूँ या स्वाद पे बनाता हूँ, तो मेरे लोग देखेंगे कि भाई ये बंदा स्वाद पे वीडियोस बनाते हैं, इसका पूरा एक सेटअप है, मतलब चल रहा है, तो फिर लोग मुझे सब्सक्राइब करते, लाइक्स कमेंट्स भी करेंगे। अच्छा, अगर मैं बताइएगा कि डिजिटल आजकल डिजिटल मीडिया का दौर ही आगे, और ज़्यादातर नौजवान जो है ना डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म से अपना एक करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एक मकाम अपना एक नाम बना रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि डिजिटल मीडिया के इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारी जो न्यू जनरेशन है इस पे अच्छे मुस्बत जा रहे हैं या मनफी जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आजकल सर जी इसको अगर हमारे पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग या अफगानिस्तान के जो मतलब पुअर कंट्रीज है वो इसी पैसे पे मतलब ट्रस्ट करते हैं, बावर करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। आजकल जो हमारे हम जितने भी काम करते हैं हम इसको उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। आजकल जितने भी लोग फेसबुक के मतलब डिजिटल मीडिया प्रोमोटर है जो भी है जो यूज़ करते हैं टिकटॉक यूज़ करते हैं वो हैंड राइटिंग नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, वो गूगल वॉइस मोबाइल है, वॉइस गूगल वॉइस करते हैं, फिर वो टाइपिंग पढ़ भी नहीं सकते, बिल्कुल यही बात है, मतलब वो उसके अभी उनके जहन ही बन गया, मतलब डिजिटल हो गया। तो ये अभी जो बंदा मतलब कि अपने लिखाई भी करते हैं पढ़ाई भी करते हैं तो वही कामयाब होते हैं। यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म भी है कि मतलब जिस तरह एग्जाम्पल मैं कनाडा चला गया तो कनाडा में तो मैं 10-15 हज़ार काम तो नहीं करता ना, मैं चाहूँगा कि मुझे 10-15 लाख रुपये मैं कमा लूँ। इस तरह यूट्यूब भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो कहते हैं कि आप ऐसे नहीं देखते कि पाकिस्तान में, लेकिन वो कहते हैं खेलो आप भी कमा लो हमें भी दे दो, और यूट्यूब ज़्यादा पैसे इन पुअर कंट्रीज से कमाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं मतलब के करोड़ों में के वो ऐसे यूट्यूबर हैं कि उनका मोनेटाइज हो गया लेकिन वो पिन तक भी रजिस्टर आपने यूट्यूब को नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि आप खबरें टीवी के आगे आपका क्या प्लान है, कौन कौन से प्रोग्राम नए लॉन्च करने वाले हैं? मैंने देखा कि आज कोई सेरेमनी भी होने वाली है और सेरेमनी के बाद उसमें ऐलान करेंगे कि आप कोई नए प्रोग्राम वगैरह भी लॉन्च कर रहे हैं। बस सेरेमनी के हम सर की वेट करते हैं और बाकी इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे कि हम डेली वॉइस कोशिश करते हैं कि हमारे पास डेली 2-3 हेडलाइंस हो। सही है, मतलब कि हर 2-3 घंटे प्रॉपर चैनल्स की तरह। हाँ, प्रॉपर। बाकी हमने जो प्रोग्राम को हम लॉन्च करेंगे इसके हम पहला मतलब टाइम टेबल वाइज काम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ हमारे पास होगा। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको अच्छे एक टीवी चैनल से भी हम आगे चले जाएँ। आप क्या हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये खबरें टीवी को सब्सक्राइब करें और खबरें टीवी पर आपके प्रोग्राम देखें, और ये पैगाम और क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस हवाले से कि डिजिटल मीडिया पे जो चैनल्स बना के आप वो कैसे करें आप हमारे? असल में खबरें टीवी जो है ना ये गरीबों की आवाज़ है, जहाँ पर मजलूम के साथ जुल्म हो रहे हैं तो वहाँ पर खबरें टीवी है, खबरें टीवी है, तो उनको लाजमी सब्सक्राइब करना। जिन लोगों को पता नहीं कि मतलब उनकी कोई चैनल नहीं चलाता, कोई वो नहीं चला सकता, तो हम इनके भरपूर इनको गरीब लोग हम उसको बूस्ट भी करते हैं, स्पॉन्सर भी अपने पैसे खर्च करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं, और हमारी बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ है कि उन पर एक्शन हो गया है, बेशक या CDA वाला हो या जो भी हो, प्रेस क्लब के आगे हो, कोई चैनल ने चलाई नहीं है लेकिन हमने जो चलाई है हमने भरपूर उन लोगों तक भी पहुँचाई है कि इनके खिलाफ एक्शन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ ऐसे बल्कि मैं सैकड़ों की ज़्यादा हमारे ऐसी कोई वीडियोज़ हैं कि इस पर अब तक एक्शन हो गया है।
جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ جاوید اقبال صاحب، ان کی بات آپ نے سنی، ہم اس سے ان سے آگے پروگرامات کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔